उम्मीद करें आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई किया होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मल क्या दे रखा है पहले ये देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है आपको 4 + 8 आपको 5 के इक्वल दे रखा है, उसके बाद आपको बोला गया 8 + 5 आपको 4 के इक्वल दे रखा है, फिर 6 + 7 आपको 6 के इक्वल दे रखा है। आपको बताना है 9 + 9 इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या चीजें बन सकती हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, अब नॉर्मल चीजें कैसे आएंगी पहले फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए हम क्या करें, इसका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हम क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई किससे कर दें, 4 से। यानी कि चाहे आप 8 का मल्टीप्लाई 4 से करें, चाहे आप 4 का मल्टीप्लाई 8 करें, आएगा कितना, आएगा आपका 32। लेकिन सर हमको लाना कितना, लाना तो हमको सर 5 है, तो यहाँ पे आ रहा 32 आ रहा है। तो क्या हम इस 32 को हम लोग इस तरह राइट कर सकते हैं, हमने क्या कर दिया, इन दोनों जो आपके जो सेकंड डिजिट का नंबर थे इनको हम आपस में ही ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि 3 यहाँ पे था, 2 हम आपस में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरह क्या पता चीज़ें बन रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पजल है तो कुछ भी कैसे भी बन सकती है, आपको समझना पड़ेगा। चलिए इनका हम आपस में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 8 + 5 यानी कि इनका हम आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी हमने ऊपर किया, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर, 40 आ जाएगा। और 40 को हम अलग अलग नंबर लिख के क्या करें, ऐड कर दें, जैसे ही ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए ये भी चीज़ बन जा रही है, इसका मतलब सर फॉर्मेट कहीं ना कहीं यही होने वाला है। चलिए अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, जैसे ही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 42 आ जाएगा। और 42 को जैसे ही हम क्या करें, अलग अलग लिखेंगे, यानी कहने का मतलब अलग अलग लिख के ऐड करेंगे, 4 अलग 2 अलग दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी कि चीज़ें बन रही हैं, तो इसका मतलब आपको इसी फॉर्मेट को अप्लाई करना है। तो 9 × 9 जैसे हम करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 9 करेंगे आपका आ जाएगा 81। तो 81 को जब हम अलग अलग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 + 1 यानी कि आ जाएगा कितना, 9। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कितना हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो चीज़ें आपको इसी तरह समझनी है।